जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, विकास कोचिंग सेंटर डेल्हा गया के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक वर्ण विच्छेदन, जिसको हम लोग डिस्पर्सन कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले ये समझना होगा कि वर्ण विच्छेदन का मतलब क्या होता है। तो वर्ण जो है प्यारे बच्चों, जिसका मतलब रंग होता है, जिसको हम लोग कलर बोलते हैं। प्यारे बच्चों, विच्छेदन का मतलब क्या होता है? तो विच्छेदन का मतलब हुआ कि किसी भी रंगों का बंटना। वर्ण का मतलब रंग हुआ और विच्छेदन का मतलब बंटना। रंग जो है प्यारे बच्चों, उसको बांटा जाएगा, और जब रंग बट जाता है तो वह बंटने की क्रिया जो है वह विच्छेदन कहलाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, समझना ये होगा कि आखिर कौन सा रंग है जो बंट जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप यहाँ देख रहे होंगे कि हम लोग के सामने यहाँ पे ग्लास का प्रिज्म बना हुआ है। प्यारे बच्चों, तो ये प्रिज्म जो बना हुआ है, इसी प्रिज्म में व्हाइट सन लाइट जाता है, और जब व्हाइट सन लाइट जाता है तो व्हाइट सन लाइट जो है इस प्रकार से जाता है प्यारे बच्चों। और जब ये व्हाइट सन लाइट, मतलब सूर्य का जो श्वेत प्रकाश है प्यारे बच्चों, सूर्य का जो श्वेत प्रकाश है प्यारे बच्चों, ये प्रिज्म के अंदर प्रवेश करता है। अब ये प्रकाश जो है, ये तो चाहता है कि मैं ढिकचिका आगे चले जाऊँ, लेकिन प्यारे बच्चों, ये ढिकचिका करके आगे नहीं जा पाता है। क्यों? क्योंकि प्रिज्म का काम जो है प्यारे बच्चों, प्रिज्म का काम है कि जो श्वेत प्रकाश की किरणें प्रिज्म में जाती है वह मुड़ जाती है प्यारे बच्चों, या विभक्त तो हो जाती है। क्योंकि आप जानते हैं कि प्रिज्म में आखिर प्रकाश की किरणें मुड़ क्यों जाती है? तो प्रिज्म में जब जाती है तो मुड़ी इसलिए जाती है क्योंकि आप मुड़ने की जो घटना हो रहा है प्यारे बच्चों, ये अपवर्तन है, जिसको आप रिफ्रैक्शन कहते हैं, अपवर्तन है प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों, अपवर्तन की घटना का मतलब होता है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा और फिर वह मुड़ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ढिकचिका आगे जाना चाहता है लेकिन वह वहाँ से मुड़ जा रहा है प्यारे बच्चों, और मुड़कर ये जो मुड़ने की जो घटना है, ये आपका अपवर्तन है, रिफ्रैक्शन है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, श्वेत प्रकाश की किरणें जब जाती है तो यह सात रंगों में विभक्त हो जाती है। अब ये सात रंगों में कैसे बढ़ जाती है प्यारे बच्चों? तो यहाँ पर प्यारे पर्दा लगा होता है, यहाँ पे पर्दा लगा होता है, पर्दा जिसको आप स्क्रीन बोलते हैं, पर्दा का मतलब स्क्रीन। और ये जो स्क्रीन लगा होता है, इसको हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं, इसको हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं प्यारे बच्चों। स्पेक्ट्रम एक अंग्रेजी वर्ड है, ऐसे शुद्ध हिंदी में अगर बोला जाए प्यारे बच्चों, तो स्पेक्ट्रम जो है प्यारे बच्चों, इसको वर्णपट के नाम से जाना जाता है, वर्णपट के नाम से जाना जाता है प्यारे बच्चों। तो ये पर्दा जो है प्यारे बच्चों, इसी पर्दे पर यह जो श्वेत प्रकाश की किरण है, यह सात रंगों में इस पर्दे पे प्राप्त होगी। प्यारे बच्चों, आप चित्र के माध्यम से देख रहे होंगे कि आप सात रंगों में बटा हुआ है प्यारे बच्चों। तो जिस पर्दे पर प्राप्त होती है उसको स्पेक्ट्रम कहते हैं, और जब श्वेत प्रकाश की किरण जो है वह प्रिज्म के कारण सात रंगों में बट जाती है, तो यह सात रंगों में बटने की घटना को वर्ण विच्छेदन कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सात कौन से रंगों में बटा है? तो अगर आप इंग्लिश में याद करते हैं तो ऐसे वीव गयो। अगर आप हिंदी में याद करते हैं प्यारे बच्चों तो ऐसे वह आ नी पी ना ल। कई लोग तो इसको बै जा नी पी नाला भी कहते हैं, क्योंकि प्यारे बच्चों, बै का मतलब यहाँ पर बैगनी रंग हो गया प्यारे बच्चों, बै का मतलब यहाँ पर बैगनी रंग हो गया प्यारे बच्चों।
आ का मतलब आसमानी रंग हो गया, नी का मतलब नीला रंग, हा का मतलब हरा रंग और बी का मतलब पीला रंग, ना का मतलब नारंगी रंग और ला का मतलब लाल रंग। इंग्लिश की अगर बात करें तो बैंगनी को वायलेट बोला जाता है, आई मतलब इंडिगो मतलब आसमानी होता है, बी का मतलब ब्लू नीला होता है, जी फॉर ग्रीन हरा होता है, वाइट फॉर येल्लो तो पीला होता है, ओ फॉर ऑरेंज नारंगी होता है, आर फॉर रेड लाल होता है। तो प्यारे बच्चों याद करने का यह ट्रिक है ब का नी पीला, या फिर इस आ के जगह कई लोग जा भी बोलते हैं, वह जा नी पीला। तो यह जा का मतलब जामनी होता है लेकिन देखने में तो इंडिगो आसमानी है। प्यारे बच्चों तो ये बैजा नी पिनाला सात रंग में है। प्यारे बच्चों तो जब सूर्य का श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म से जाकर और सात रंगों में बट जाती है तो यह सात रंगों में बटने की क्रिया जो है यह वर्ण विक्षेपण कहलाता है। प्यारे बच्चों और जिस पर्दे पर प्राप्त होता है, पर्दा पर्दा खा के जर्दा बनवा जनवा पर्दा लुकता, तो ये पर्दा जो है प्यारे बच्चों इस पर्दे पे स्पेक्ट्रम तैयार, पर्दे को हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं जिस पर सातों रंग हमें पूरी तरह से दिखाई देता है। लेकिन अब प्यारे बच्चे हम जानने वाले हैं कि बैंगनी रंग ऐसे मुड़ गया जबकि जब यहाँ जो रेड रंग है वो ऐसे मुड़ा आखिर कर क्यों। तो मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा सा यहाँ पे आप इसको ध्यानपूर्वक से समझेंगे, ये जो बैंगनी रंग है प्यारे बच्चों इसका जो त्रैंगधैर्य होता है ये बिल्कुल कम होता है और लाल रंग का त्रैंगधैर्य जो होता है प्यारे बच्चों ये अधिक होता है, क्योंकि बैंगनी रंग का आपका 3900 एंगस्ट्रॉम होता है जबकि लाल रंग का 7800 एंगस्ट्रॉम होता है, 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों लाल रंग का त्रैंगधैर्य अधिक होता है, बैंगनी रंग का त्रैंगधैर्य जो होता है वो कम होता है। तो प्यारे बच्चों अगर पिचलन की बात किया जाए तो जिसका त्रैंगधैर्य अधिक होता है उसका जो विचलन है प्यारे उसका विचलन जो है डेविएशन जो है वो कम होता है और जिसका त्रैंगधैर्य कम होता है उसका विचलन क्या होता है अधिक। अगर इस बात को आप नहीं समझ पाते हैं प्यारे बच्चों तो एक बार फिर से सुने, लाल रंग का त्रैंगधैर्य अधिक होता है परंतु विचलन कम होता है। क्यों कम होता है इसका रीजन हम बताएंगे, और बैंगनी रंग का त्रैंगधैर्य कम होता है परंतु इसका विचलन अधिक होता है। क्यों अधिक होता है इसका मतलब अभी हम आपको बताते हैं। जैसे प्यारे बच्चों अगर कोई लड़का है और बाइक से जा रहा है प्यारे, यदि उस लड़के का स्पीड अगर अधिक है, यदि उस लड़के का स्पीड अधिक है, बड़ा तेज स्पीड में वो लड़का जा रहा है, स्पीड उसका अधिक है, और यदि उस लड़के का बाइक का स्पीड अधिक है और हम उसको बोले कि भाई मोड़ दो और तेज स्पीड में जा रहा बोले मोड़ दो, तो अचानक जब बाइक तेज है और मोड़ेगा तो प्यारे बच्चों गाड़ी इस तरह से मुड़ेगा कि सारा नाक मुंह जो है टूट के बराबर हो जाएगा। फिर जब कोई देखेगा उसका नाक मुंह तो बोलेगा ये कैसे लाल लाल हो गया, तो बोलेगा केक लगा लिए, तो अगला बोलेगा हैप्पी बर्थडे। गाने का मतलब ये है प्यारे बच्चों कि जब त्रैंगधैर्य अधिक होता है तो उसका विचलन कम होगा, लेकिन यदि कोई लड़का बाइक से धीरा जा रहा है मतलब उसका त्रैंगधैर्य कम है, अगर धीरा बाइक से जा रहा है और उसको बोलेंगे कि मोड़ लो, तो अगर धीरा जा रहा है तो ऐसे भी मोड़ सकता है या बाइक उठा के भी मोड़ सकता है, तो उससे कोई परेशानी नहीं है। तो कहने का मतलब आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से, लेकिन आइए प्यारे आखिर अब यहाँ पर समझना होगा कि त्रैंगधैर्य अधिक क्यों होता है, विचलन कम क्यों हो जाता है, अधिक क्यों हो जाता है, आप समझ गए। लेकिन अब समझना है कि त्रैंगधैर्य लाल क्यों होता है। तो देखिए प्यारे लाल रंग का त्रैंगधैर्य इसलिए अधिक होता है ना क्योंकि लाल रंग जो है ना वो खतरा का निशानी है। प्यारे बच्चों जो भी आपको लाल रंग दिखाई देगा बिल्कुल वो खतरा का निशानी है, इसीलिए आप लोग लाल रंग से बच कर रहे हैं। जब भी आपको लाल रंग दिखाई देगा तो आप समझ जाइएगा कि उसका त्रैंगधैर्य अधिक है
और जिसका प्रहार अधिक होता है उसका विचलन कम होता है। और समझ जाना प्यारे बच्चों कि जिसका प्रहार अधिक होता है उसका प्रयोग ही खतरा की सूचना के लिए होता है। चाहे वो कोई भी लाल रंग का कहीं भी प्रयोग होगा तो समझिए खतरा का निशानी होगा। जैसे प्यारे बच्चों अगर आप कभी गए होंगे, प्यारे बच्चों अगर आप लाल रंग कभी ट्रेन के पास अगर आप गए होंगे तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे प्यारे बच्चों कि जो ट्रेन का सिग्नल जो लाल रंग है वो ट्रेन का सिग्नल खतरा की सूचना के लिए लाल रंग क्यों है। तो प्यारे बच्चों ये लाल रंग जो है ना इसके बारे में एक वैज्ञानिक जो था प्यारे बच्चों जिस वैज्ञानिक का नाम था और लॉर्ड रेले, और उस रेले नाम का जो वैज्ञानिक था उसने बताया था कि जिसका प्रहार अधिक रहेगा उसी का उपयोग खतरा की सूचना के लिए होगा। रेले ने अपना थ्योरी भी दिया था, उसने कहा था प्रकाश का प्रकीर्णन जो है प्रहार लंबाई के चतुर्घात का व्युत्क्रमा अनुपाती होता है। इसका मतलब है प्यारे बच्चों कि वेव लेंथ जो है वो फोर्थ पावर आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। कहने का मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है, आप लोग प्रकाश का प्रकीर्णन समझते होंगे, प्रकाश का प्रकीर्णन का मतलब होता है लाइट का छितर जाना। जब लाइट वायुमंडल के धूल कणों से टकरा के जब लाइट छितर जाता है तो उस छितरने की घटना को हम प्रकीर्णन बोलते हैं या परिक्षेपण बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों जब प्रकाश की किरणें टकरा कर जब छितर जाती है तो प्रकाश का प्रकीर्णन जो है वो तरंगदैर्ध्य लंबाई के चतुर्घात का व्युत्क्रमा अनुपाती होता है, मतलब इनवर्सली होता है। तभी आपने पढ़ा कि जो लाल रंग है प्यारे बच्चों, जो लाल रंग है उस लाल रंग का तरंगदैर्ध्य अभी आपने पढ़ा कि अधिक, तो अगर तरंगदैर्ध्य अधिक होगा तो इसका मतलब कि उसका प्रकाश के प्रकीर्णन की जो तीव्रता होगा वो उसका क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब उल्टा होता है, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा होता है। लाल रंग का तरंगदैर्ध्य अधिक है तो उसका प्रकाश के प्रकीर्णन की तीव्रता कम हो जाएगा, किसके अनुसार, तो लॉर्ड रेले साइंटिस्ट के अनुसार। तो मेरे प्यारे बच्चों जब लाल रंग का तरंगदैर्ध्य अधिक है तो प्रकीर्णन इसका कम हो जाएगा, और यदि अगर प्रकीर्णन कम हुआ इसका मतलब लाल रंग यहाँ से निकलेगा और वायु के धूल कणों से टकराएगा, लेकिन प्रकीर्णन कम है इसका मतलब वायुमंडल से कम टकराएगा, तो अगर कम टकराएगा तो यहाँ से निकलकर अधिक लंबी दूरी तय करेगा, क्योंकि लाल रंग जो है इसको कोई नहीं रोकेगा, लाल रंग यहाँ से निकलेगा और लंबी दूरी तय करेगा, इसको कोई नहीं रोकेगा और लंबी दूरी तय करेगा। इसीलिए हमेशा खतरा की सूचना के लिए लाल रंग का प्रयोग करते हैं, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन की तीव्रता कम होती है तो यह लाल रंग लंबी दूरी तय करती है, और लंबी दूरी तय करेगा तो काफ़ी दूर व्यक्ति रहेगा उसको भी खतरा का सूचना मिल जाएगा कि लाल रंग हमको दिखाई दे रहा है, आगे हमको खतरा है। तो प्यारे बच्चों लाल रंग का प्रयोग हमेशा खतरा के निशानी के लिए किया जाता है। तो आप कहीं भी लाल रंग देखिए तो थोड़ा बच कर, जैसे प्यारे बच्चों यहाँ देखिए, ये देखिए ससुरी लड़की लोग को आप देखते होंगे कि वो ढलाली बहुत थी, ये देख रहे होंगे आप, ये वो ढलाली लगा रही है, आप देख रहे हैं यहाँ पर कि वो ढलाली जो पोत रही है प्यारे बच्चों, तो ये ढलाली जो लाल रंग दिखाई दे रहा ये खतरा का निशानी है, थोड़ा बच कर रही है, क्योंकि इसका तरंगदैर्ध्य जो है, इसका तरंगदैर्ध्य क्या है इसका अधिक, और जब वो ढलाली वो पोत लेगी तो लड़का दूर से भी रहेगा तो उसको कुछ दिखाई दे चाहे ना हो, लेकिन उसका उठललिया दिखाई दे देगा, क्योंकि इसका तरंगदैर्ध्य अधिक है और इसका प्रकीर्णन जो है रिफ्रैक्टिंग जो ऑफ लाइट जो है इसका कम है, तो ये लड़की कहीं भी खड़ी रहेगी, चेहरा दिखे चाहे ना, लेकिन ससुरी का उठलाली लड़के को दिख जाएगा। तो प्यारे लाल रंग लंबा दूरी तय करता, लड़की लोग एकदम लाल रंग लगाती है। एक बार हमारे साथ भी हो गया था कि एक लेडीज आई थी हमारे यहाँ ठहरने के लिए, तो हमारे यहाँ ठहरी,
तो उसका छोटा सा बच्चा तो उसी का इलाज करवाने आई थी, तो हमारे यहाँ ठहर गए। तो मुझे बोली ना कि हमको बाजार जाना है कुछ सामान खरीदने, तो हम बोले कि भाई क्या सामान खरीदना है बताइए। तो वो बोली कि हमको लिपस्टिक लेना है, तो हम बाजार में चले गए। हम बोले ठीक है हम लिपस्टिक ले आते हैं। जब बाजार में हम लिपस्टिक लेने गए तो बोल दी थी कि रेड लेना है, तो उस समय हमको समझ ही नहीं आया रेड क्यों बोल रहे, लेकिन अभी आप समझ रहे होंगे रेड क्यों बोली। जब आप गए तो दुकानदार को बोले कि रेड लिपस्टिक दे दीजिए, तो दुकानदार बोला कौन रेड, सुना लिपस्टिक का पारा को रेड कलर दिखा दिया। अब हमको लगा कि भाई सब तो रेड कौन खरीदे, फिर हमने फोन किया, फोन करके हमने पूछा कौन वाला रेड लेना है, तो नंबर बोली 42-33। अब ससुराल तुरंत नंबर सुन के और 42-33 तुरंत दे दिया। तो रेड कलर बहुत सारे होते हैं, क्योंकि रेड कलर का काम है लंबा दूरी तय करना, और लंबा दूरी तय कब करेगा जब उसका त्रंधैर अधिक रहेगा और किरण उसका कम रहेगा। अगर आप शादी ब्याह में देखे होंगे प्यार ये देखिए, ससुर हंस रही है लाल उठलाली लगा के और हंस रही है, तो आपको कई बार बोले लड़कियों का हंसना ये उनकी अदा है, और जो प्यार समझे वो सबसे बड़ा गधा है। ये हंसी वाला मुस्कान पे नहीं फंसना है, बढ़िया से पढ़ना है। ये उठलाली लाल क्यों लगाई है आप समझ रहे, इसका त्रंधैर अधिक है, लंबा दूरी तक तय करेगा ये लाल रंग। यहाँ पर आप देखते हो ससुरी गोज में लाल रंग पोतले वाली, ये देखिए प्यारे खतरे का संकेत लाल क्यों होता है आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। लाल रंग लंबी दूरी तय करता है, लंबी दूरी क्यों तय करता है ये भी आप समझ गए होंगे कि प्रकीर्णन कम होता है, उसको कोई रोकता नहीं है तो लंबा दूरी तय करता है। ये देखिए शादी का जो जोड़ा होता है ना प्यारे, शादी का जोड़ा, शादी में जो कपड़ा होता है ना लहंगा, शादी का कपड़ा आप देखिएगा हमेशा लाल रंग, दुल्हन जो है वो लाल रंग के जोड़ा पहनने रहती है। काहे ना लाल रंग के जोड़ा पहनेगी, तो लाल रंग का जोड़ा इसलिए दुल्हनिया पहनने रहती है क्योंकि उसको पता है, वो कहती है कि खतरा की निशानी है, लेकिन ससुरा दूल्हा समझ नहीं पाता है कि कौन खतरा की निशानी को घर ले जा रहे। तो लड़की है जो लाल रंग का इसलिए लहंगा पहनी रहती है क्योंकि वो जानती है कि हम लाल पहने हुए मतलब सामने को कहती नहीं है, वो अपने कपड़े से इंडिकेट कर देती है कि हमको तुम ब्याह करके ले जा रहे हो, लेकिन हम तुम्हारे घर के लिए सबसे बड़ा खतरा की निशानी। बाकी तो आप समझ ही गए होंगे कि खतरा की निशानी लड़की कैसे रहती है। तो प्यारे बच्चों ये लाल रंग का आप समझ गए होंगे। अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, सिंदूर का, तो आप देखते होंगे कि लड़की लोग जो है शादी जब होता है प्यारे बच्चों तो लड़की को लाल रंग का सिंदूर लगाया जाता है। ये लाल रंग का सिंदूर क्यों लगाया जाता है, क्योंकि लाल रंग का सिंदूर लगा के सामने वाले को बता देना चाहती है कि हम जो है खतरा की निशानी है, मतलब लाल रंग लगा कर और बता देती है कि हमारी रजिस्ट्री हो गई है और हमारा नोटेशन भी हो गया है, कृपया हमारे पीछे न पड़े क्योंकि हम खतरा की निशानी है। ससुरी लाल रंग के सिंदूर लगाने रहेगी, वो बताती है कि हम खतरा का निशानी है। देखिए तो पूरा ससुरी का पूरा मांगे भर गया है। देखिए ये आपका सिग्नल वाला लाल रंग है प्यारे बच्चों, ये देखिए ससुरी और ठलाली लाल, ये देखिए ये देखिए लाल रंग लगा के बताना चाहती है कि हमारा त्रंधैर अधिक है लाल रंग का, और ये लाल रंग दूर तक दिखाई देगा। सब हीरो को बताना चाहती है कि हम अभिषेक वचन के हो गए, हमारी रजिस्ट्री हो गई है। ये देखिए ससुरी भी कह रही है कि हमारो रजिस्ट्री हो गया है, यू लाल रंग लगा ले ससुरी। तो आइए आप समझ गए होंगे लाल रंग क्यों। ये देखिए ये विराट कोहली, इसका हस्बैंड का हैप्पी बर्थडे है, विराट कोहली का ये अनुष्का शर्मा है, यू ससुरी लाल रंग लगा, यू कह रहे हैं कि हमारो रजिस्ट्री हो गया है, हमारा मोटेशन भी हो गया है, हम खतरा के निशानी है, हम लंबा दूरी तक लाल रंग सिंदूर को दिखाएंगे। तो प्यारे आप समझ गए होंगे और विक्षेपण में आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा प्यारे बच्चों। तो उम्मीद करते हैं कि आप वर्ण विक्षेपण के टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, आपको यहाँ पर वर्ण विक्षेपण में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा।
लेकिन यहाँ एक बात समझने वाली है कभी है प्यारे बच्चों, कि अगर कोई आपसे कह दे कि ये सफेद लाइट जो है, सफेद लाइट जो बीच में जाती है, ये सच में जो व्हाइट लाइट जाती है, सफेद प्रकाश जो जाता है, क्या सफेद प्रकाश ही सात रंग में बटता है या फिर प्रिज्म में कुछ ऐसा रहता है जो सात रंग में बट जाता है? शुरुआती में थोड़ा सा लोगों का मानना यह था कि जो व्हाइट लाइट मारते थे ना, तो व्हाइट लाइट मारने के बाद बिच का आगे जाना चाहता था, लेकिन होता क्या था कि जैसे व्हाइट लाइट जाता था प्रिज्म के अंदर, तो वह सात भागों में बट जाता था, वह सात भागों में बट जाता था। तो लोगों को मानना यह था कि इस प्रिज्म के अंदर ही कोई ऐसा चीज है जो सात रंग में बट जाए, लेकिन इसमें एंट्री मार गया आपका हीरो। हीरो आप समझ रहे होंगे, सर आइजक न्यूटन। और सर आइजक न्यूटन ने जब एंट्री मारा तो उन्होंने इसको क्लियर कर दिया कि प्रिज्म के अंदर कोई सात लाइट ढिचक नहीं करता है। न्यूटन ने क्लियर कर दिया कि जो व्हाइट लाइट जा रहा है ना, यही सात रंग में बट जाता है और यहाँ तैयार कर देता है नाला। अच्छे से अभी मैंने इसको समझाया था प्यारे बच्चों। लेकिन न्यूटन जब एंट्री मारता तो पूछा जाता है कि आप बताइए कि ये सफेद लाइट सात रंग में कैसे बढ़ता है, क्योंकि लोगों का मानना था कि इस प्रिज्म के अंदर कोई ऐसा चीज है जो ढिचक करके सात भागों में बढ़ जाता है। लेकिन न्यूटन ने क्या किया प्यारे, इसको प्रयोग के द्वारा बता दिया। कैसे प्रयोग किया न्यूटन ने? तो न्यूटन जो था प्यारे, उसने एक प्रिज्म सीधा लिया और एक प्रिज्म को न्यूटन ने उल्टा ले लिया। एक प्रिज्म को न्यूटन ने उल्टा ले लिया। अब किया क्या न्यूटन प्यारे बच्चों, एक प्रिज्म को सीधा और एक प्रिज्म को उल्टा ले लिया। यहाँ से व्हाइट लाइट दिया प्यारे बच्चों, पर जो व्हाइट लाइट दिया तो ढिंच जाना चाहता था, लेकिन अपवर्तन की घटना के कारण वो गया नहीं। तो प्यारे बच्चों कैसे चल गया, इस सात रंगों में आप दो दो चार एक पांच छह और एक सात। अब जब सात रंग में बटा तब न्यूटन बोला कि ठीक है, अगर ढिकचिक से सात रंग आया होगा, अगर प्रिज्म से आया होगा, तो फिर सात रंग को इसमें एंट्री मारेंगे तब तो ढिकचिक सात रंग आना चाहिए। जब न्यूटन ने इस उल्टे प्रिज्म में जब सात रंग को जब उन्होंने सात रंगों को जब डाला, तो यहाँ सात रंग जाने के बाद, सात रंग यहाँ जाने के बाद यहाँ पर सफेद प्रकाश आ गया। मतलब यहाँ एक लाइट प्राप्त हो गया प्यारे बच्चे, व्हाइट लाइट प्राप्त हो गया, सफेद प्रकाश प्राप्त हो गया। तो न्यूटन ने यहाँ सिद्ध कर दिया कि यह सात रंग उल्टे प्रिज्म में गया तो यहाँ व्हाइट लाइट पर्दे पे प्राप्त किया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सात रंग थे ये सफेद प्रकाश से बना है, और यहाँ सफेद प्रकाश सात लाइट में सात भागों में विभाजित हुआ। तो प्यारे बच्चों इससे जो लोगों के अंदर मन में जो वहम था कि ना प्रिज्म के अंदर ढिचक सात रंग जलता है, वो क्लियर हो गया, क्योंकि सफेद लाइट प्रिज्म से सात रंग बटा और सात रंग को उल्टे प्रिज्म में डाला गया, तो फिर वो सफेद प्रकाश रंग बना दिया, जिससे क्लियर हो गया। और एक न्यूटन साहब ने किया था, सर आइजक न्यूटन साहब ने। तो चलिए प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।